YouTube चैनल ब्लॉग सराफत पठान। गाइस आज का जो हॉन्टेड ब्लॉग है वो बहुत ही मतलब एक डरावना रहने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ की जो स्टोरी है वो कुछ अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब यूँ है कि ये जैसे आप रोड देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर हमें किसी सब्सक्राइबर ने बताया कि यहाँ पर एक फैमिली रहती थी, ठीक है। उस फैमिली में उसके जो फादर थे, उस पीछे आप देख रहे हो रेलवे की ट्रेन की आवाज़ आ रही है, वहाँ पर कट के मर गए थे। उसके बाद उसकी माँ और जो दो बच्चे थे उनकी मतलब लोग कहते हैं ना कि उनको ताना दे देकर और ऐसा कर करके, फिर उन जो दो बच्चे बच्चे थे और जो माँ बची थी उन्होंने भी जो है वो सुसाइड कर दिया था यहाँ पर पटरियों पर, ठीक है। तो लोगों का कहना ये है कि उस दो बच्चों की और वो जो माँ है उनकी आत्मा और उन बच्चों की जो वॉइस है वो यहाँ पर सुनाई देती है। तो गाइस इसीलिए आज हम इस लोकेशन पर आए और देखने ये आए कि यहाँ पर ये बात सच है या झूठ है और कितना क्या ये जो स्टोरी है ये सच है। तो इसीलिए आज हम हमारे साथ हैं हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अवधेश जी, इरफान भाई, कैमरे के पीछे शाहरुख और समीर भाई। तो गाइस आज यहाँ पर चल तो गाइस चलिए चलते हैं और इस रास्ते पे और देखेंगे। और हाँ, सबसे पहले आप गूगल टाइम बता दीजिए कि हम किस टाइम पर आए। इरफान भाई गूगल टाइम बताइए। रात के 11:07 हुए हैं। शाहरुख फोकस कर। 11:07। सो गाइस टाइम हुआ 11:07 और अब हम चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर। ऐसे ही ये बात रियल है या फेक है या लोग यहाँ पर मन कड़क कहानियाँ बना रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। और आज का जो एपिसोड है गाइस बच्चों की आत्मा और बच्चों की यहाँ पर रोने की आवाज़ सुनाई देती है। हमारे कारण में इसमें ओ तेरी सामने सरपत क्या आग लग रही है। ये तो कोई ऐसे कुछ है, कुछ है ना। हाँ सॉरी वो ट्रेन का तो सर पर आग लग रही है भाई, सर आग लग रही है सामने, बोला ना। अरे एरी 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 एक सेकंड देख सामने देख। अरे यार आग यहाँ पर कौन लगा? अरे भाई वो सामने देख, वो देख, ओ तेरी एक मिनट बच्चे चुप रे। बच्चों की आवाज आ रही है। समीर आजा, इधर आजा, समीर आगे आ जाओ। तो यहाँ पर आए लेकिन बच्चों की जो रोने की आवाज है वो लगभग थोड़ी थोड़ी यहाँ पे महसूस हो रही है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हमारे अवधेश जी बताएंगे कि सर ऐसा कुछ होता है कि कोई बच्चे अगर ऑफ हो जाते तो उनकी रोने की आवाज वगैरह क्या सुनाई देती है? अंदर से जाओ, अंदर से और से चलेंगे। इधर आ जाइए अवधेश जी, इधर आ जाइए। अंदर से नहीं अवधेश जी, कुछ है यहाँ पर आप धीरे कुछ है गाइस। यहाँ पर जो कहानी है कि यहाँ पर जो एक माँ और दो बच्चों की यहाँ पर आत्मा भटकती है और वो बच्चे की जो रोने की आवाज है वो अक्सर यहाँ के गांव वालों को और यहाँ के जो वो तेरी क्या हुआ आवाज आ रही है। एक बात मैं अभी सभी को बता देता हूँ, सब अपने साथ में रहना वरना फिर किसी के साथ आगे नहीं जाएगा, कोई नहीं आगे जाए ना कोई पीछे रहेगा। तो अपना ध्यान रखना, ठीक है भाई। बच्चों की रोने की आवाज मैं बोल रहा हूँ भाई, देखो आग लग रही है वहाँ पे। कहाँ पर आग लग रही है यार, तू कहाँ पर बता रहा है? मुझे दिख रहा है। लाइट कर कौन हो आप? वो तेरी पंडित 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 तांत्रिक उत्तरी औरत नाचारी
औरत नाच रही है वहां पर। कोई आगे नहीं जाएगा। लाइट लगाओ, मेन लाइट लगाओ। जो बाबा है यहाँ पर अपनी बिटिया में लगे हुए। उतरी सरो सरो सामने। ओ भाई बच्चा 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 उसके हाथ में बच्चा। अवदेव जी इसके हाथ में बच्चा। ओ भाई उतरी जी कौन हो तुम? उतरी आपके साथ क्या हुआ था? उतरी ओ भाई बच्चों को खिला रही है, बच्चों को खिला रही है। अरे भाई बच्चों को लेके जा रही है, बच्चों को लेके जा रही है। वो यहाँ पे कहीं एक कोई तांत्रिक था जो यहाँ पर विद्या कर रहा था और वो अपने पूरे जो है उसमें था, बोले तो पूरे अपने। अरे भाई बाबा गायब। उतरी उतरी बाबा गायब, बाबा गायब। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है। वो भाई एक तरह की छाया भी हो जो गायब हो चुकी है। वो भाई ये इसका पूरा सामान है, इसका पूरा। अरे हाथ मत लगाओ भाई, क्या पता। दूर रहो। ये भाई कुछ गोबर भी पड़ा है, सर पर देख, गोबर और हड्डियाँ, गोबर और गोबर पड़ा है। ये हड्डिया, हाथ मत लगाओ मेरे भाई। बदबू बहुत जबरदस्त है, पीछे हट जाएंगे यहाँ से। काली विद्या चल रही थी। हाँ। इसका मतलब गाइस हमने सोचा कि कोई तांत्रिक होगा जो ऐसे विद्या कर रहा होगा अपनी अपनी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी गंदी विद्या कर, क्योंकि उसके जस्ट आगे ही ये जो थी, ये जो एक माँ थी और जो बच्चा साथ में रो रहा था वो यहाँ पर आगे ही थे और यहाँ पर कुछ उनके लिए विद्या कर रहे थे। इसका मतलब ये कि वो तांत्रिक को पता है कि यहाँ पर जो भी है वो आत्मा और उसके लिए ये विद्या करता और ये काला जादू करता। गाइस आज तो हमने ऐसा सोचा कि उस तांत्रिक को जो हम डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वो पता नहीं कौन सी क्या विद्या कर रहा है, लेकिन हमने सिर्फ फोकस किया उस आत्मा के लिए। लेकिन तांत्रिक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इसका मतलब तांत्रिक कोई ना कोई काली विद्या कर, जहाँ पर जहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर गोबर ये हड्डियाँ और गोबर, और गोबर से सरापत भाई एक जो जिन वगैरह रहती है बुरी शक्ति है वो सब गोबर वगैरह खाती है, इनका खाना यही रहता है। और ये देख सकते हैं कुछ तो है इधर, ये कुछ कलर भी है, ये कुछ सांप सांप जैसा है कुछ, देखो ये पूरा राउंड राउंड। हाथ मत लगाइए कोई, हाथ मत लगाओ, ये कुछ गुलाल, पैर मत लगाओ, ये गोबर गोबर पड़ा है। किसी वस्तु को छुना मत, ये देखो ये गोबर पड़ा इधर। वो तेरी भाई सर आत्मा की आवाज भी बंद हो गई है और वो जो औरत थी वो भी इधर तरफ चली गई है। क्या कह रहे, चले आगे जी, आगे चले। ये कुछ अजीब गरीब मैटर था, हमने तांत्रिक को सोचा के नॉर्मल को तांत्रिक हो जाए अपनी विद्या कर दे। उठ ये वापस आए, वापस आए। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कोई आगे नहीं जाएगा। उठरी उठरी बाल 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 इसके बाल। ओ भाई ओ भाई ओ गजब। ओ हाथ में बच्चा, ओ उसके हाथ में कुछ है, उसके हाथ में कुछ बच्चे जैसा है सरपत, उसके हाथ में बच्चे जैसा कुछ है। अरे सरपत सरपत मत जा भाई, पीछे पीछे मत भाग। उतरी उतरी यहाँ पर मैटर ये है कि वो तांत्रिक यहाँ पे क्या कर रहा था। उतरी क्या बजा इधर? उतरी कपड़ा कपड़ा, ये कपड़े, ये कपड़े पे बैठी थी। ओ भाई ओ, गई वो गायब हो गई, गायब हो गई। हमें फिर आना होगा इस बार। मुझे ऐसे लगा जैसे कि तैयारी के साथ आएंगे सराफत भाई। मुझे अभी यहाँ से निकलना उचित है। गाइस आज का जो मैटर है मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि सबसे पहले
कि वो जो तांत्रिक है वो यहाँ पर क्या कर रहा था। हमने सोचा कि कोई ऐसे ही कोई बाबा होगा जो ऐसे बैठा होगा, इसलिए हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और आप देखते देखते वो तांत्रिक जो है वो गायब भी हो गया, और ये जो माँ थी यहाँ पर बच्चों को दूध पिला रही थी और वो यहाँ से गायब भी हो गई। तो मैटर कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीछे आवाज आई। सरापत ऐसे मत भाग, इधर भाग भाई, आराम से भागो मत। आज हमारे पास टीम है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है बच्चे साहब, क्योंकि आज हमारे पास टीम भी अच्छी है, लड़की भी अच्छी है। तो कोई भी जैसे ऐसे कोई जैसे होता है, उन्हें परेशान मत करो, वो आपको परेशान नहीं करेगी। तांत्रिक का गया, शाहरुख तांत्रिक का गया, यहाँ पे बैठा था वो। ये कोई शैतानी आत्मा नहीं है, ये शैतान तांत्रिक के जरिए उसको बुलाया जा रहा था। इसका मतलब ये जो भी बच्चे को बुलाना है, ये माँ को बुलाया, ये तांत्रिक के जरिए होता है, क्योंकि तांत्रिक के जस्ट थोड़े आगे ही वो जो औरत थी वो बच्चे को लेकर खड़ी थी, वो जस्ट उसके आगे ही थी और तांत्रिक के उनसे गायब हो गया। इसका मतलब ये जो भी करता है वो तांत्रिक कर रहा है। अतृप्त आत्माओं को तांत्रिकों द्वारा बुलाया जाता है और दूसरी दुनिया से इस दुनिया पर बुलाकर उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो कोई भी गलत काम करे। ओह माय गॉड, वो आत्मा शैतानी आत्मा नहीं थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि आत्माओं के बीच में संबंध वगैरह ऐसा कुछ है। हाँ, आत्माओं के बीच में संबंध होता है, लेकिन माँ और बेटा जब इन दोनों की मृत्यु हो चुकी है और वो दोनों ही अपने हमला कर सकते, हमारे को हमारे यहाँ से निकलना उचित रहेगा। अरे यार, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। कुछ नहीं बिगाड़ेंगे हम तुम्हारा। ये तांत्रिक की विद्या है। कौन है तू? ओ तेरी, ओ सामने 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 बोरी 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 रे तेरी तेरी। कोई नहीं जाएगा, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। बच्चा रो रहा है। अपना निकलना ही फायदा है यहाँ से, अभी निकलने में फायदा है। तांत्रिक ने तंत्र विद्या से अपने आप को मजबूत कर रखा है, हमें हमारे पंडित के द्वारा वापस बिल्कुल सही हवन करके पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। सो गाइस, हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते। अभी हम देखो जितने भी बंदे हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, सभी लड़के हैं। मैंने बोला था ना उस टाइम वो लग रही थी आग फर्स्ट, नहीं, वो यही थी यार। हमें उस वक्त उस तांत्रिक को पकड़ लेना चाहिए था। अगर नहीं कौन है तू? कौन है तू? सामने आ। बस तू फिरुल्ला, तू बस कहाँ है तू? सराफत आगे मत जाओ, वो नहीं आएगा नजदीक। वो भाग गया। उत्तर समीर भाई, मैंने बोला बोला किसी चीज को छुआ मत। समीर भी चल पीछे, चलो मैंने पहले भी कहा है तुम्हें भाई। अरे यार, उत्तर कौन है तू? सामने आ। कौन है यार? सामने आ। सरापत भाग मत। कुछ सरापत यार, भाई पीछे सारी। अरे यार, सामने आज तू झूठी है, सामने आ जाना, सामने आ जा। पकड़ना पड़ेगा, वो बच्चों की बलि देता है यहाँ पे। वो नहीं दे, पकड़ो उसको, पकड़ना पड़ेगा उसको, पकड़ो उसको। तेरी चला बस, ये इस साइड से आवाज है। वो सामने 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 और तेरी पावरफुल है वो, अभी हमारे उसकी शक्तियाँ हमारे पे भारी पड़ रही है, हमें यहाँ से निकलने में फायदा है। हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें तंत्र विद्या वाला तांत्रिक लाना होगा, या फिर से साधना करनी होगी, या अघोरी बाबू को लाना होगा, क्योंकि हमें तांत्रिक की शक्ति, मेरा शरीर जो भारी भारी हो रहा है एकदम से। शराफत आप यहाँ से निकले, अभी मंत्रोच्चारण जब तक चलते रहेगी तब तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए आप यहाँ से, इस तांत्रिक के लिए हमें फिर से बुलाना पड़ेगा, फिर से साधना होगी, फिर से हवन होगा। आ जाओ वापिस आ जाओ। सामने हम आपको परेशान नहीं करेंगे। दिख रहा है इसमें, दिख रहा बच्चे की बहू दीदी, वो तांत्रिक है ना, जो भी कर रहा है वो तांत्रिक कर रहा है, जो भी कर रहा है तांत्रिक कर रहा है, क्योंकि तांत्रिक निकल चुका है यहाँ पे।
चांदी गायब भी हो चुका है, बहुत पावरफुल चांदी था यार। वो हमें गलत समझ रही है वो आत्मा, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, बहुत बड़ा, शांत हो जाओ। साथ में बच्चा भी है उसके। शांत हो जाओ, चले जाओ, हम वकील साहब नहीं करेंगे। वकील साहब हमें चलना होगा। हाँ चलिए, चलो आप चलिए यहाँ से, क्योंकि तांत्रिक मेरा शरीर बहुत हैवी है, बहुत भारी भारी मुझे फील हो रहा है। चलो आप, ऐसा लग रहा मुझे जैसे मेरे अंदर कोई अंदर आत्मा वगैरह ऐसा कुछ। हाँ हम जा रहे हैं, आप समीर पीछे आ जाओ। चलो कल तांत्रिक गाइस, हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि यहाँ पर कोई बच्चे की आवाज, बच्चे की रोने की आवाज आती है और मार रहती है। हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पर कोई तांत्रिक भी आता है और वो तांत्रिक पता नहीं इन आत्माओं के साथ क्या करता है। ये सबसे बड़ा सस्पेंस है, तांत्रिक क्या कर रहा था। मेरा खुद का गला सूख रहा है यार, तो बस तो फिर पानी मत पीना। क्यों नहीं पानी नहीं पीना। ये जैसे रवि जी हमने आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमने जैसे सुना था यहाँ पे कि बच्चों की आवाज आती है उससे वो चला जाए यहाँ से। उते सामने आ, आजा 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 अवधेश जी, अवधेश जी आजा, अवधेश जी आजा, हम कल आजा आजा काम नहीं लेना। नहीं नहीं अवधे जी ऐसी बात नहीं, हम पूरे विधि के साथ आएंगे। तांत्रिक है, हमें इस तांत्रिक का जवाब अगोड़ी से दिया जा सकता है। आवाज पूरी रात आएगी भाई, आवाज से पानी कोई नहीं पिएगा, सारू पानी नहीं पिएगा। कल अपनी जगह पर जाते तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि हम यहाँ पर पता लगाने गए थे कि उन बच्चों की आवाज कौन बच्चे और किसकी आवाज आती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पर कुछ तांत्रिक है जो उनको बुलाता है और पता नहीं उनके साथ। देखो मैं आप वो चीज वो लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहता, लेकिन पता नहीं काली विद्या में क्या करना चाहता, बच्चों की काला जादू कर रहा है, बच्चों की बलि दे रहा है, या पता नहीं क्या कर रहा है, ये हमें नहीं पता। लेकिन एक बात मैं आपको बोल देता हूँ कि जो तांत्रिक था वो था बड़ा पावरफुल। जैसे ही अवधेश जी हमारे बताएंगे, अवधेश जी आप बताइए हमें कि ये जो तांत्रिक होते हैं ये आत्माओं के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसा कि वो आत्माओं को एकदम अपने कांटेक्ट में ले सके या अपने वश में कर सके। कभी कभी क्या होता है कि अतृप्त आत्माएं जो कि मुक्ति की तलाश में भटकती है, तो उनको काली शक्ति के द्वारा उनको बुलाया जाता है और उनको विवश किया जाता है गलत कार्य करने के लिए। तो अभी शायद उस तांत्रिक की विद्या सफल नहीं हो पाई, इसलिए वो आत्मा वहाँ से चली गई, लेकिन उसको विवश करके वो जरूर से कुछ कार्य करवा सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम वो जगह छोड़ चुके हैं और हम आने वाले टाइम में हम हमारे अकोड़ी के साथ में पूरी तरह से हवन लेकर इसका हम पता जरूर लगाएंगे कि ये तांत्रिक कौन था, और इस तांत्रिक का जवाब हम अकोड़ी से ही दे सकते क्योंकि हमारे पास इतनी विद्या नहीं है। हमारे पैरों में एक्सपर्ट इतना बता सकते कि ये चीज क्या होती है, नॉलेज बता सकते, लेकिन इनके पास भी इतनी विद्या नहीं कि उसका सामना कर सके। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पे गया तो मेरा एकदम शरीर पूरा भारी हो गया था, समीर भाई के साथ भी हमला हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें निकलना होगा और इस तहत तक जाने के लिए कि तांत्रिक कौन था, क्या करता है, किस लिए करता है, ये सब अगर आप इसका जानना चाहते तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें पार्ट टू के लिए। हमारे इधर मतलब सिटी में लोग बोलते हैं कि अघोरी को बुलाओ, अघोरी को बुलाओ, तो अघोरी यहाँ पे नहीं होते, अघोरी को बुलाना पड़ता है बाहर से। अवधेश जी हाँ वो बात सही है, तो हमको अघोरी को बाहर, लेकिन हम अघोरी नहीं बुला के तो भी जैसे किसी ऐसे बंदे को बुला जिसको नॉलेज हो ऐसा कि हाँ इस तांत्रिक का कम से कम वो तो बता सके। तांत्रिक क्या बोले, एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं और महसूस करके पता लगा सकते हैं, लेकिन विधिवत पूरी रीति नीति के साथ में हवन वगैरह यज्ञ करके और पूरी तरह से सुरक्षा घेरा बनाकर ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो
पूरी तरह से हवन को कर सके, तो हम साइंस के जरिए और वैदिक मंत्रोच्चारण के जरिए उस आत्मा को बुलाकर अपने वश में करने का और उससे उसकी जानकारी उसके साथ क्या हुआ उस चीज को हम जानने का प्रयास कर सकते हैं। अगर गाइस पार्ट टू देखना है इस तांत्रिक का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम अपनी रिस्क पर आएंगे और हम कुछ भी करके कैसे भी पता करेंगे ये तांत्रिक कौन था, क्या करता है और किस लिए यहाँ पर आता है और ये पूरा मैटर क्या है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, पार्ट टू के लिए कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, हम जरूर आएंगे। अगर आपकी पब्लिक डिमांड रही तो हम इसी जगह पर आएंगे और बताएंगे। अब हमारा यहाँ से निकलना जरूरी है क्योंकि 12 बजने का टाइम है, तांत्रिक वगैरह की शक्ति और बढ़ सकती है तो हमें नुकसान पहुँचा सकती है। तो अभी चल शाहरुख कैमरा बंद कर चलते। चलो गाइस,